This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। मोदी राज में क्या आपको मिला कम महंगाई का फायदा? मोदी सरकार अपने चार साल के कार्यकाल में महंगाई कम रहने को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महंगाई आंकड़ों में तो कम हुई है, लेकिन इसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाया। बाजार में खाने पीने की चीजें अब भी लोगों को ज्यादा कीमत पर मिल रही है, वहीं किसानों को इसका नुकसान हुआ और उनको अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आंकड़ों में महंगाई अपने आप ही कम नहीं हुई है, सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप किया है जिसकी वजह से कीमतें कम हुई हैं, लेकिन किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं उपभोक्ताओं को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ है। बाजार में सरकार के हस्तक्षेप की वजह से प्राइवेट सेक्टर के लिए रिस्क बढ़ गया है और प्राइवेट सेक्टर एग्री सेक्टर में निवेश करने से कतरा रहा है। सवाल यह है कि क्या एग्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर सरकार की असफलता की कीमत किसानों को चुकानी पड़ रही है? 2014 से लगातार कम रही होलसेल फूड प्राइस इन्फ्लेशन। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से लगातार होलसेल फूड प्राइस की वृद्धि कम दर कर रही है। 2014-15 में होलसेल फूड्स प्राइस की वृद्धि दर 5.6% थी। 2017-18 में यह दर घटकर 2% के स्तर पर आ गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने हाल ही में एक ट्वीट पर किया था। उन्होंने ट्वीट किया कि 2014 के बाद से लगातार होलसेल फूड की कीमतों में लगातार गिरावट आई है, महंगाई कम होने की कीमत किसानों को चुकानी पड़ रही है। हालांकि उनके इस ट्वीट को लेकर उनकी आलोचना हुई और ये कहा गया कि यूपीए सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पाई और उसके कार्यकाल में महंगाई बहुत अधिक थी। हालांकि अहमद पटेल ने इस ट्वीट में कीमतें कम रहने की किसानों पर बढ़ रहे आर्थिक दबाव को एक बार फिर से सामने ला दिया है। बाजार में सरकार के हस्तक्षेप से कम हुई कीमतें। एग्री एक्सपर्ट्स विजय सरकार ने मीडिया को बताया कि सरकार होलसेल और फूड इन्फ्लेशन को कम करने की उपलब्धि बता रही है, लेकिन वास्तव में सरकार के स्तर पर एग्रो इकोनॉमी के पॉलिसी मैनेजमेंट को फेलियोर है। कीमतें अपने आप कम नहीं हुई हैं, सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप करने से कीमतें कम हुई है। सरकार बाजार को अपने तरीके से काम नहीं करने दे रही है, इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी एग्री सेक्टर में निवेश नहीं कर रहा है, इसका नुकसान किसान को हो रहा है। आम ग्राहकों को नहीं मिल रहा महंगाई कम होने का फायदा। सरदाना का कहना है कि कीमतें कम होने से एक तरफ तो किसानों को नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है। सरदाना ने बताया कि मेरे पास पंजाब के किसान आए थे, उन्होंने बताया कि उनको मिर्च की कीमत प्रति किलो 1.5 रुपये मिल रही है, जबकि दिल्ली की मंडी में मिर्च प्रति किलो 50 रुपये किलो बिक रही है। ऐसे में ये सवाल है कि 1.5 रुपये और 50 रुपये के बीच का अंतर कहाँ जा रहा है? सरकार पर कुछ नहीं कर रही है। इस पर सरकार सुनिश्चित करे किसान के लिए तय इनकम। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार किसानों को अपनी उपज के लिए सही कीमत नहीं मिल पा रही है। अगर किसी को उपज का उत्पादन ज्यादा होता है तो बाजार में इसकी कीमत उतनी ज्यादा गिर जाती है कि किसान की लागत भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में जरूरी यह है कि हर किसान के लिए एक निश्चित इनकम सुनिश्चित की जाए। एक किसान परिवार के लिए सरकार प्रति माह 18,000 रुपये की इनकम सुनिश्चित करे। अगर किसान की प्रति माह इनकम 6,000 रुपये है तो बाकी 12,000 रुपये की भरपाई सरकार करे।